नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। बागपत जिले को कई बड़े हाईवे व अन्य सौगात के बाद सरकार ने जिले को एक रेलवे लाइन की भी सौगात देने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते मेरठ से पानीपत तक बनने वाली रेलवे लाइन के लिए आज रेलवे की टीम के साथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने सर्वे किया है। मेरठ पानीपत रेल मार्ग पर बागपत जिले में 34 किलोमीटर लंबी लाइन पर 5 स्टेशन भी बनेंगे और इस रेल मार्ग के बनने के बाद बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली जनपदों के ग्रामीण इलाके के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बागपत जिले के लोग इस रेल मार्ग की वर्षों से मांग कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रयासों से यह मार्ग अब जल्दी ही तैयार हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका उद्घाटन हुआ, जिसके लिए टीकरी के लोग लंबे समय तक जो है संघर्ष कर रहे थे। दूसरा, हमारा पानीपत से मेरठ जाने वाली जो रेलवे लाइन है, उसका भारत सरकार की तरफ से आज उसका विधिवत सर्वे यहां पर शुरू हो गया है। एलम से लेकर के मोलेड तक ये जाने वाली रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई 33 से 34 किलोमीटर होगी और एलम के बाद इसमें लगभग 5 जो है इसमें रेलवे स्टेशन होंगे, उसमें टीकरी और दाहा भी उसमें होंगे। और उसी के लिए रेलवे मंत्रालय ने अपने चीफ इंजीनियर की जो सर्वे की अध्यक्षता में एक टीम को यहाँ पर भेजा है और मैं आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र के सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि उनको स्वतंत्र रूप से ये सर्वे करने दें, ताकि जल्दी से जल्दी ये सर्वे पूरा हो सके और सर्वे पूरा होने के बाद इस चौगामे की खुशहाली के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ एक नई रेलवे लाइन आए। ये जो सर्वे एलम से लेकर मुलेरा तक करीबन 34 किलोमीटर का सर्वे जो सैंक्शन हुआ है 15 दिन पहले, ये इसके लिए ऑलरेडी हमने जो है अपना वर्क शुरू कर दिया है। तो मैप पे काम करते हैं, फिर फील्ड में आएंगे तो फील्ड में ये काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी पहले बेसिक वर्क शुरू हो चुका है इसमें। इस पर अभी जो हमने मैप में जो असेसमेंट किया है, उसके अंदर हमारा एलम से शुरू होकर दुलहरा तक एक जंक्शन स्टेशन एलम पे है, बाकी हमने और टोटल 5 स्टेशन आ रहे हैं। तो ये टोटल है, इसमें जो है वो हमने नक्शे पे दिखाए हुए हैं और इसमें टिकरी से के पास से होती हुई जाएगी, टिकरी और दाहा स्टेशन से मुलेहरा तक जाएगी।